अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम आज आपको एक साल की बेबी के लिए फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह सा बचा हुआ कपड़ा हमने यहाँ पे लिया है, जो कट पीसेस अक्सर बच जाते हैं। तो इस तरह का हमने ये बॉडी बनाने के लिए ये कपड़ा लिया है, और नीचे घेर बनाने के लिए इस तरह का हमने पीस लिया है। देखिए, ये कट पीसेस है जो बचे हुए रहते हैं। तो अभी हम इससे अपना घेर बनाएंगे। तो एक साल की बेबी के लिए इस तरह से हम बनाएंगे फ्रॉक। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो कपड़ा है, इस तरह से हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे। और ये जो कपड़ा है, डबल फोल्ड, दो लेयर में है, तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। देखिए, दो लेयर में है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये ऊपर की बॉडी हमारी बन रही है। देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड कर लें। उसके बाद जो नीचे ऊपर कपड़ा है, उसको कटिंग करके निकाल दें। और यहाँ पे हम एक पिन से सिक्योर कर रहे हैं इसको, ताकि हिले नहीं। इस तरह से पिन लगाने से कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा, हिलेगा नहीं। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था टेढ़ा मेढ़ा, तो हम इसको कट करके निकाल देंगे। वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, जो बिगिनर सेल है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, हम इसकी लेंथ ले रहे हैं 8 इंचेस, बॉडी की लेंथ हम 8 इंचेस ले रहे हैं। अभी हमारा जो शोल्डर है, हम यहाँ पे 4 इंचेस लेंगे। देखिए, 4 इंच यहाँ पे, 4 इंच लेंगे, तो 2 इंच का हमारा ये नेक आएगा। देखिए, 4 इंच पे हमें अच्छे से मार्क करना है। और आर्म होल भी हम यहाँ पे 4 इंच का लेंगे, बगल। ये देखिए, बगल भी हम 4 इंच का लेंगे। इस तरह से हमने मार्क किया। अभी यहाँ पे हम चेस्ट का मार्क लगाएंगे। यहाँ पे 6 इंचेस हम चेस्ट का मार्क लगा रहे हैं। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। बेबी अगर हेल्दी है तो और थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, तो टोटल हमने 7 इंच लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम 6 इंचेस लेंगे। तो पहले 5.5 नीचे हम यहाँ पे एक मार्क, ऊपर हम 6 लिया था और नीचे 5.5 लगाएंगे मार्क, 1 इंच सिलाई के लिए, तो एक्स्ट्रा लगाएंगे इस तरह से। तो अभी हम यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे इसकी गोलाई दे देंगे बगल की। ये देखिए, इस तरह से गोलाई दे दिया है। यहाँ पर अब इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमारी ये बॉडी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसका आस्तीन कट करेंगे। आस्तीन भी यहाँ पे देखिए, ये 4 लेयर में है, 4 फोल्ड में है कपड़ा। ये देखिए, तो यहाँ पे हम फुल हैंड्स बना रहे हैं। आप चाहे तो हाफ स्लीव्स भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे फुल स्लीव्स बना रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बगल का नाप लेंगे। देखिए, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम 6 इंच पर इस तरह से देखेंगे। कपड़ा हमारा है यहाँ पर 6 तक। तो देखिए, इस तरह से हमने मार्क किया। अब हम इसकी लंबाई लेंगे आस्तीन की। जितने बेबी की लंबाई आस्तीन की है उतनी ले लें। यहाँ पे हम 9 इंच पे, यहाँ पे 10 इंच पे हम यहाँ मार्क लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कलाई का हिस्सा लगाएंगे 3.5, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 4.5 पे हम मार्क करेंगे। ये देखिए, फुल आस्तीन बना रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्रॉस में 6 इंच पे इस तरह से टेप को रखेंगे, और यहाँ पर इसकी गोलाई का निशान लगाएंगे, और यहाँ से इस निशान से इस निशान को मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे स्लीव्स बन के रेडी हो गए हैं। देखिए, हमारे स्लीव्स बन के यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पे देखिए, इसको अस्तर लगाएंगे, क्योंकि ये कपड़ा बहुत पतला है, ये देख सकते हैं। तो हम इसमें अस्तर लगाएंगे। अगर आपके पास सेम कलर का कपड़ा है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वाइट कलर का है, तो यही हम लगा रहे हैं। तो अस्तर को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे, और ये अपनी बॉडी को इस तरह से रखेंगे। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको भी सेम कटिंग कर लेना है। पूरे में इस तरह से ही सेम कटिंग करना है। ये देखिए, यहाँ पे अस्तर कट के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, अस्तर कटिंग हो चुका है।
अब हम इसको अस्तर पे, देखिए इसको अस्तर को हटा देंगे और हम यहाँ पे नीचे का घेर कट करेंगे। ये देखिए जो कपड़ा है हम इसको फोर लेयर में डाल देंगे। ये डबल फोल्ड है तो इसको फोर फोल्ड कर लिया है हमने, अभी देख सकते हैं थोड़ा ऊपर से कपड़ा क्रॉस है थोड़ा। तो इस तरह से हमने पहले मार्क करना है। हम यहाँ पे घेर की लंबाई लेंगे, ये देखिए 10 इंचेस हम लंबाई ले रहे हैं। अब हम जो यहाँ पे लंबाई ले लिया है, अब यह जो हम बॉडी कट करके रखा था तो इस बॉडी को इस तरह यहाँ पे रखेंगे। ऊपर से रखने के बाद यहाँ से थोड़ा क्रॉस में इस तरह से नीचे तक, जहाँ तक ये एंडिंग है कपड़ा वहाँ तक हम इसको इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने घेर की भी कटिंग कर ली है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह का हमारा ये घेर बन के रेडी है नीचे का। अभी हम अस्तर को और कपड़े को मिला के हम नेक कट करेंगे फ्रंट और बैक का। तो इस तरह से दोनों पदर को हम अलग कर देंगे, दोनों लेयर को, बॉडी पार्ट को अलग कर देंगे। एक के ऊपर एक इसको अस्तर से रखेंगे इस तरह से। इस पे अच्छे से रखते हुए हम इसका बैक पार्ट का नेक कट करेंगे। इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए अच्छे से हमने इसको मिला के फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा नेक हम लगाए, नेक का हम चौड़ाई लगाएंगे 2 इंचेस। देखिए इस तरह से 2 इंचेस पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे और लंबाई भी 2 इंचेस लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का नेक है और यहाँ पीछे हम हुक्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इस पहले इसको कट कर देंगे अच्छे से पकड़ के। देखिए इस तरह से राउंड नेक कटिंग करना है। तो यहाँ इसकी कटिंग कर लिया है हमने। अभी यहाँ पे नीचे 3 इंचेस तक हम यहाँ पे हुक के लिए इस तरह से कटिंग कट कर लेंगे। तो इस तरह से करते हुए यहाँ पे देखेंगे टेप, ये देखिए 3 इंचेस तक हम यहाँ पे इसको कट करेंगे। ये हमारा हुक के लिए हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी अब हम फ्रंट के लिए इस तरह से कट करेंगे। यहाँ पे भी 2 इंच चौड़ा हम नेक लेंगे और लंबाई लेंगे 3 इंचेस। इस तरह से यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे, बॉक्स टाइप बना लेंगे। इसको भी राउंड हम इस तरह से मार्किंग करके इसको भी कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे नेक कटिंग हो चुका है। अब हम इस तरह से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक दूसरे पे इसको अच्छे से रखना है, उल्टे साइड रखते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, अच्छे से बैठ जाएगा। अभी बैक पार्ट पे भी हम इसको इस तरह से लेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ पे इसकी सिलाई करना है, इसके बाद इसको पीछे की ओर पलटाना है। तो इसको सीधे साइड से रख के उल्टे साइड घुमाना है और साइड से भी इसकी सिलाई करना है, अच्छे से बैठाना है इसको। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने अच्छे से सिल लिया है। अभी हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। ये देखिए ये हमारा पलटा के सिल लिया है हमने और शोल्डर को भी हम अटैच करेंगे इस तरह से रखते हुए। ये देखिए उल्टा साइड रखना है, दोनों शोल्डर अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर हमने अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सीधी पट्टी लिए है हमने। तो इसको यहाँ पे पीछे के और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको सिल लेंगे, पट्टी को दोनों साइड से भी सिल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से फ्रिल बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करके सिल लिया है साइड का और सेंटर से हमने फ्रिल बना लिया है और यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे नेक के पास यहाँ इस तरह से रखेंगे सेंटर से। ये देखिए आप चाहे तो सेंटर का इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर पे मैंने मार्क किया है। अब इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे फ्रिल लगाने से ये अच्छा लुकिंग आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी भी सिलाई करेंगे, ये फिक्स बैठ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखिए उरेब पट्टी ली है। उरेब पट्टी को हम पहले दो पट्टी को इस तरह से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद ये लंबी पट्टी क्रिएट हो जाएगी। इसको डबल फोल्ड करके पीछे की ओर से इसको अंदर की ओर से इसको इस तरह से पकड़ते हुए पूरे गोल में सिएंगे, ऑल ओवर पूरे में सिलना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रिल को भी हमने अटैच कर लिया है फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट से हमें यहाँ पे उरेब पट्टी को भी लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह सीधे की तरफ घुमाते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। ये पाइपिंग की तरह दिखेगी ऊपर से, ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ऊपर से इसकी अच्छे से सिलाई लगा लिया है। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो गया। अब हमारा आस्तीन लेंगे। हम आस्तीन को हम इस तरह से रखते हुए
दोनों बगल से यहाँ पे देखिए आर्म होल से इसकी सिलाई कर लेंगे। सेंटर से सेंटर में अच्छे से मिलाएंगे, आस्तीन को उल्टा रखते हुए इसको इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से आस्तीन बन जाएगा। आस्तीन के नीचे साइड यहाँ पे हम एक पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह के हमने पट्टी ली है, सीधी पट्टी। अब हम आस्तीन को उल्टा रखेंगे, यहाँ से इसकी सिलाई करते हुए इसको सीधी ओर लेके जाएंगे। उसके बाद हम सीधे साइड इसको इस तरह से घुमाते हुए यहाँ से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है, देखिए इस तरह से पट्टी भी लगा लिया है। तो ये हमारा आस्तीन बन के रेडी है, ये फ्रंट पार्ट है हमारा। तो इस तरह से हमारा बॉडी पार्ट बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसको घेर से अटैच करेंगे। नीचे का घेरा इस तरह से एक पार्ट को निकालेंगे, इसको बॉडी पे उल्टा, ये देखिए सीधी बॉडी है तो इसको उल्टा इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे और ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसकी सिलाई करेंगे, ये फ्रंट पार्ट है। इस तरह से घेरे को हम यहाँ पे रखेंगे उल्टा, तो यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने घेरा अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अब हम इसकी साइड की फ़िटिंग दे देंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से साइड की इसकी फ़िटिंग दे देना है। साइड की सिलाई करने से पहले हम यहाँ पे इसको नीचे साइड थोड़ा सा क्रॉस कट करेंगे, क्योंकि हम कटिंग करते वक्त इसको क्रॉस नहीं कट किया था, वरना ये लटक जाएगा। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में कटिंग करना है इसको। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी साइड की फ़िटिंग दे देंगे और नीचे से बॉटम को भी डबल फोल्ड करके सील लेंगे। एक बार पहले फ़ोल्ड करना है, फिर उसके बाद दूसरा फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमारा फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। साइड की फ़िटिंग और नीचे का बॉटम भी हमने फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमने हुक भी अटैच कर लिया है। आई होप कि आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमने यहाँ पे फुल स्लीव्स इसलिए रखा है ताकि बच्चों को, देखिए अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, ठंड बहुत है तो सर्दी ना लगे बच्चों को, इसलिए हमने यहाँ पे स्लीव्स फुल सिया है। आप चाहे तो हाफ़ स्लीव्स भी सिल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। इस तरह से हमारा एक साल की बेबी के लिए फ़्रॉक रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।